तो दोस्तों टाटा आईपीएल 2024 से चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी कई बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, जिसे आपको रूबरू होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप आईपीएल का सुपर वाला फैन है तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें टाटा आईपीएल 24 से उन सभी बड़ी खबरों के बारे में जो कि निकल के आ रहा है। तो दोस्तों बता दें कि जो सबसे बड़ा खबर है चेन्नई सुपर किंग के लिए, बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि नहीं खेलने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग से अगला मुकाबला। जहाँ दोस्तों बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान अभी तक तो अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग का जो अगला मुकाबला है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ है, और बता दें कि यह मुकाबला में वह अवेलेबल नहीं है क्योंकि वह वीजा प्रोसेस के लिए जाने वाले हैं बांग्लादेश। जहाँ दोस्तों यूएसए में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ऐसे में वीजा के लेकर ही जाने वाले हैं बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान, और इस वजह से एसआरएच के खिलाफ जो मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग का उसमें नहीं खेल पाएंगे, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए बड़ा झटका है। मुस्तफिजुर रहमान अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, ऐसे में वह जब नहीं खेलेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है चेन्नई सुपर किंग का टाटा आईपीएल 2024 में। इसके अलावा बता दें कि अंबाती रायडू को लेकर बेहद ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग की टीम अभी जो कि हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही है, और हम सभी जानते हैं कि अंबाती रायडू का घर है हैदराबाद, और बता दें कि उस वक्त चेन्नई सुपर किंग को फिर से ज्वाइन कर लिए अंबाती रायडू और साथ में प्रैक्टिस भी किए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जल्द से जल्द अंबाती रायडू बतौर टीम के मैनेजमेंट से जुड़ सकते हैं। या दोस्तों बता दें कि अंबाती रायडू कई वर्षों तक चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले और बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, ऐसे में अंबाती रायडू जो कि टीम के मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो वैल्यूबल नॉलेज है वह चेन्नई सुपर किंग के काम आ सकती है, और स्पेशली यंग खिलाड़ियों को बेहद ही ज़्यादा काम आएगी। इसके अलावा बता दें कि एक और बड़ी अपडेट है मुकेश चौधरी को लेकर है। या दोस्तों बता दें अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलते एसआरएच के खिलाफ, इस मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं मुकेश चौधरी। बता दें कि मुकेश चौधरी आईपीएल 23 नहीं खेले थे, लेकिन 22 में बेहद ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था मुकेश चौधरी का, ऐसे में हमें फिर से 24 में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान के जगह पर मुकेश चौधरी, या फिर शार्दुल ठाकुर को भी मौका दिया जा सकता है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। इसके अलावा बता दें कि एक और बड़ी अपडेट है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बवाल मचा दिया है। केकेआर ने आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर बना डाला 272 रन 7 विकेट खोकर, जिसमें बता दें कि कई बड़े खिलाड़ियों का हाथ रहा है, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और आखिर में रिंकू सिंह, जिसकी वजह से इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। और इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को एक भारी भरकम अंतरों से भी हरा दिया। जब दोस्तों बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स को 106 रनों से हराई है केकेआर, तो इस तरह से केकेआर तो अच्छी जीत दर्ज के लिए, इसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स से उम्मीद है कि एसआरएच के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस करे, एक बड़ी जीत दर्ज करे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग एसआरएच को क्या बड़ी अंतरों से हराने वाली हैदराबाद में या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।